आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आइए दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, भारी बारिश का अलर्ट जारी। लखनऊ से एक खबर है, उत्तर प्रदेश में तूफानी हवाओं के साथ लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तेज बारिश और हवाओं के चलते रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी, बाराबंकी, गाजियाबाद, सुल्तानपुर सहित कई जिलों में गुरुवार सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं इन 30 जिलों में कौन कौन से जिले शामिल हैं। दोस्तों ये प्रदेश के जो 30 जिलों में चेतावनी दी गई है वो 16 और 17 सितंबर यानी आज और कल के लिए जोरदार बारिश की चेतावनी दी गई है। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मथुरा, सीतापुर, अयोध्या, मुरादाबाद, शामली, वाराणसी, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत, हापुड़, मेरठ, शाहजहांपुर, हमीरपुर, बलिया, जालौन, इटावा, ललितपुर, फर्रुखाबाद व औरैया शामिल हैं। अगली खबर जनपद बस्ती से है। शिक्षक से घूस लेते सल्टावा के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ मनोज कुमार सिंह को गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने उपस्थिति बनाने के लिए शिक्षक से 10,000 रुपए की मांग की थी। सल्टावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बरौहा में तैनात शिक्षक गौरव त्रिपाठी को निरीक्षण में अनुपस्थित दिखाकर खंड शिक्षा अधिकारी ने उनसे रुपए मांगे थे। शिक्षक 7,000 रुपए देने को तैयार हो गए लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी कम पैसा लेने को तैयार नहीं थे। ऐसे में शिक्षक ने गोरखपुर में विजिलेंस टीम से शिकायत की। इंस्पेक्टर शिवाजी राव के नेतृत्व में टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बुना। बुधवार को शाम 5 बजे शहर के मड़वा नगर टोल प्लाजा के पास स्थित खंड शिक्षा अधिकारी के आवास पर शिक्षक ने जैसे ही रिश्वत के रुपए दिए वहां मौजूद विजिलेंस टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी को धर दबोचा। शिक्षक ने बताया कि 28 अगस्त को वह आकस्मिक अवकाश पर थे, उनकी सूचना रजिस्टर में दर्ज थी, बीईओ को भी इससे अवगत करा दिया था। उसी दिन खंड शिक्षा अधिकारी उनके विद्यालय पहुंच गए और रजिस्टर में ओवरराइटिंग कर उन्हें अनुपस्थित कर दिया, फिर बुलाकर 10,000 रुपए की मांग की। अगली खबर वाराणसी से है। खंड शिक्षा अधिकारी की गाड़ी चला रहे हेडमास्टर निलंबित, वहां के सहायक अध्यापक पर भी गिरी गाज। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बुधवार को बड़ा गांव क्षेत्र के विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 10 शिक्षक व हेडमास्टर विद्यालय से गैरहाजिर मिले। खास बात यह है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय के एक हेडमास्टर मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी की गाड़ी चलाते मिले। यह कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि गुरुजी कई दिनों से बीईओ के ड्राइवर बने हुए थे। इस बाबत बीएसए ने इस बीईओ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ आज के लिए ही हेडमास्टर उनकी गाड़ी चला रहे थे, जिसके बाद बीएसए ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बीएसए पूर्व माध्यमिक विद्यालय लठिया नरेमा पहुंचे तो हेडमास्टर भरत सिंह सरोज अनुपस्थित मिले। अध्यापकों ने बताया कि वह बीईओ बड़ा गांव की गाड़ी चलाते हैं। निरीक्षण में पाया गया कि हेडमास्टर न तो विद्यालय आते हैं और न ही शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों वहां पे काम कर रहे सहायक अध्यापक भी वहां निलंबित कर दिए गए हैं। निरीक्षण में पता चला कि हेडमास्टर ने अपना चार्ज नियमों के खिलाफ सहायक अध्यापक महेंद्र कुमार को दे रखा है। हालांकि सहायक अध्यापक अध्यापकों व कर्मचारियों का अवकाश लॉगबुक में एवं अन्य अभिलेख अंकित नहीं कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जब अन्य शिक्षकों से पूछा गया तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। इस पर बीएसए ने सहायक अध्यापक को भी निलंबित कर दिया। वहीं दोनों मामले की जाँच के लिए बीईओ चोलापुर और अन्य टीमें जो है वो गठित कर दी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन इसके पूर्व एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। दोस्तों अगली खबर है, अभिभावकों के खाते को आधार से लिंक कराएं बीएसए, इन मदों का सीधा खाते में जाएगा रुपया। लखनऊ से ये न्यूज है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते, मोजे खरीदने का धन अभिभावकों के खाते में सीधे हस्तांतरित करने की तैयारी है। कई महीने से विभागीय अफसरों से लेकर विद्यालयों के शिक्षक तक छात्र छात्राओं का आधार व अभिभावकों के बैंक खाते का नंबर जुटाने में लगे हैं। नए प्रवेश में बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अभिभावकों के खाते आधार से निश्चित रूप से लिंक कराने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों ये रही आज की प्रमुख खबरें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।